एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? मैंने वैसे कराची से स्कूलिंग की है, ओ लेवल्स किया था यहाँ से, फिर ए लेवल्स किया, उसके बाद मैं हायर एजुकेशन के लिए कनाडा चला गया था। आपके ग्रैंडफादर सिंध के पहले वजीरे आला थे, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बेसिकली जो हम इंडिपेंडेंस में उनका काफ़ी बड़ा रोल था, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी थे, उनके साथियों में से एक थे, और उन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ दी। महाजरों के लिए पहला इलाका उन्होंने कराची में दिया था, जो कि PIB कॉलोनी के नाम से। फिर वो चीफ़ मिनिस्टर बने, उसके बाद 10 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहे, तो एजुकेशन के लिए उनकी काफ़ी खिदमात थी। और खैर, उनके से तो ज़ाहिर है मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन किताबों में ही पढ़ा और हम फैमिली से सुनते रहते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी के बारे में, तो कोशिश तो करेंगे मेरे फैमिली के लोग और भी जो पॉलिटिक्स में हैं कि उनके फुटस्टेप्स पे चलें। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं, जैसे कि जस्टिस ऑफ पीस, तो उस हवाले से हमें कुछ बताएंगे आप? सिंध गवर्नमेंट में भी मैं उनकी एडवाइजरी काउंसिल में हूँ, क्योंकि अभी ये 2018 के बाद इन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत में डिसेबिलिटीज़ एक्ट पास किया था, और इस पर अब वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी प्राइवेट सेक्टर के भी लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ उसमें भी इस वजह से मेरी इन्वॉल्वमेंट थी।